खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद से आ रही, जहां किराकत में विशाल भारत संस्थान द्वारा संचालित अनाज बैंक के माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में आए डीआईजी वाराणसी परिक्षेत्र अखिलेश कुमार चौरसिया द्वारा मुसहर परिवारों को पासबुक एवं अनाज वितरण किया गया और अनाज पाकर मुसहर परिवारों के लोगों में खुशी का ठिकाना न रहा और डीआईजी अखिलेश कुमार चौरसिया को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद डीआईजी अखिलेश कुमार चौरसिया ने कहा कि डॉक्टर राजीव गुरु के द्वारा विशाल भारत संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है यह अनाज बैंक गरीबों के लिए विश्व का पहला अनाज बैंक संस्थान है, जो गरीब एवं नीचे तबके के लोगों को पेट भरने के लिए अनाज की व्यवस्था कराता है और यह अपने आप में भारत देश के लिए बड़े ही गौरव की बात है। वही संदर्भ में इस संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गुरु ने कहा कि इस अनाज बैंक की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य केवल गरीबों एवं असहायों के लिए अनाज देकर भोजन की व्यवस्था कराना ही मुख्य उद्देश्य है और उन्होंने यह भी कहा कि देश विदेश में तमाम समाज गरीब तबकों के उद्धार के लिए संस्थाएं चलती रहती है, लेकिन यह अनाज बैंक जैसी संस्था अपने आप में देश के लिए एक गौरव की बात है, जिसका नाम देश और विदेश दोनों में हमेशा होता रहता है। और इसी क्रम में डीआईजी अखिलेश कुमार चौरसिया के हाथों मुसहर परिवारों को अनाज पासबुक एवं अनाज का वितरण किया गया। इस अवसर पर किराकत के पूर्व विधायक दिनेश चौधरी व अन्य सम्मानित गण मौजूद रहे। कार्यक्रम अटेंड किया, तब देखा कि ये लोग बढ़िया काम कर रहे हैं और सारे जो बैंक के पैटर्न पे अनाज बैंक चलाया जा रहा है कि जो हम लोग एक इंसान पहले पुलिस ऑफिसर से पहले हम लोग एक इंसान है, एक पुलिस की वर्दी पहने में यहाँ या अन्य डिपार्टमेंट में भी पहले हम लोग का चाहे फायर स्टेशन हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे मेला डिग्री कॉलेज हो, चाहे राजकीय इंटर कॉलेज हो, चाहे किराकत का सौंदर्यीकरण हो और चाहे सड़क पढ़ने के लिए और मुसलमान परिवार को पात्र बर्तन और सबको लाइन में बैठ परमाधारी इंद्रेश जी को बुला 600 मुसलमान और आदिवासी पता नहीं है।